ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी बीते रविवार को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शिकार हो गए और इस हादसे में उनके साथ ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर बुदलियाना समेत अन्य 9 लोगों की जान चली गई। उनकी मौत के बाद जहां ईरान में 5 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है, तो वहीं कुछ लोग सड़कों पर जश्न मनाते हुए नजर आए। शायद आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट एक भयानक युद्ध की आग में झुलसता हुआ मिलेगा। भारत एट 9 देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। भारत एट 9 में आज बात ईरान की करेंगे, क्योंकि आज ईरान की सड़कों पर हुजूम उमड़ पड़ा, या ये कहें कि ईरान की सारी जनसंख्या सड़क पर उतर आई। वजह थी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी। जी हाँ, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी बीते रविवार को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शिकार हो गए और इस हादसे में उनके साथ ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर बुदलियाना समेत अन्य 9 लोगों की जान चली गई। ईरान के राष्ट्रपति रईसी रविवार को पूर्वी अजरबैजान की यात्रा पर थे। रईसी रविवार को अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ एक डैम का उद्घाटन करने के लिए अजरबैजान में थे, जिसे दोनों देशों ने अरास नदी पर बनाया है। जब अजरबैजान से रईसी लौट रहे थे, तभी उनका हेलीकॉप्टर बेल 212 क्रैश हो गया। अजरबैजान मुस्लिम बाहुल्य देश है, यहाँ भी ईरान की तरह ही शिया समुदाय के लोग ज्यादा संख्या में रहते हैं, मगर अजरबैजान को इसराइल का समर्थक माना जाता रहा है। इब्राहिम रईसी का जन्म 1960 में उत्तर पूर्वी ईरान के मशहद शहर में हुआ था। रईसी के पिता एक मौलवी थे, लेकिन रईसी जब सिर्फ 5 साल के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था। रईसी की शुरुआत से ही धर्म राजनीति की ओर झुकाव रहा और वो छात्र जीवन में ही मोहम्मद रेजा शाह के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। रेजा शाह को पश्चिमी देशों का समर्थक माना था, वो ईरान को नई और आधुनिकता की तरफ लेकर जाना चाहते थे। रईसी कम उम्र में ही बड़े उरुज तक पहुंच गए थे, उरुज की बात करें तो बड़े पद तक पहुंच गए थे। वे अपने पिता के दिखाए गए रास्ते पर चलते हुए उन्होंने 15 साल की उम्र में ही कोम शहर में स्थित एक शिया संस्थान में पढ़ाई शुरू कर दी थी। अपने छात्र जीवन में उन्होंने पश्चिमी देशों से समर्थित और ईरान के राष्ट्रपति मोहम्मद रेजा शाह के खिलाफ प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था। बाद में एक लंबे वक्त तक देश से निर्वासन में रहे आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के इस्लामिक क्रांति के जरिए साल 1979 में शाह को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। रईसी के जीवन भी अगर देखें तो काफी उतार चढ़ाव रहा है। हालांकि कई बार उन्हें अपने देश की जनता का विरोध भी सहना पड़ा। एक आम घर में जन्म लेकर एक धार्मिक स्कॉलर, फिर वकील और ईरान के कानून के सर्वोच्च नेता के दूसरे नंबर पर पहुंचने वाले वो व्यक्ति थे। वो धार्मिक नेताओं की सूची में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खुमैनी के बाद दूसरे नंबर पर आते थे। रईसी के कार्यकाल के दौरान ईरान को गंभीर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों, कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार की वजह से वित्तीय कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा है। इन्फ्लेशन 40% से ज्यादा हो गया और यहाँ की मुद्रा रियाल की कीमतों में भी गिरावट देखी गई। इन सबके बीच ईरान में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भी देखने के लिए मिले। ये प्रदर्शन सितंबर 2022 में एक 22 साल की युवती महसा अमीनी की मौत के बाद भड़का था। महसा को ईरान की मेरिलिटी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन पर कथित तौर पर हिजाब नियमों के उल्लंघन का आरोप था। इन प्रदर्शनों के कुछ हफ्ते पहले राष्ट्रपति रईसी ने हिजाब कानून को और सख्त बनाने का आदेश दिया था। जो महिलाएं नियमों का पालन नहीं करना चाहती थी, उनके लिए सर्विलांस कैमरा लगाए गए। सोशल मीडिया पर हिजाब नियमों का विरोध करने वाले लोगों के लिए सजा की शुरुआत की गई। इब्राहिम रईसी शिया परंपरा के मुताबिक हमेशा काली पगड़ी पहनते थे, जो ये बताती है कि वो पैगंबर मोहम्मद के वंशज हैं। उन्हें हजरतुल्लाह इस्लाम यानी कि इस्लाम का सबूत की धार्मिक पदवी भी दी गई है। इब्राहिम रईसी को उनके देश में ही एक बड़ा तबका सामूहिक नरसंहार का दोषी भी मानता है। आज ईरान में कई जगह पर जश्न की तस्वीरें भी देखी जा रही हैं और कई जगह पर लोग मातम भी मना रहे हैं। देखिए, कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो यहाँ पर भी दो चीज़ें हैं। बहुत सारी ट्विटर पर अगर आप देखेंगे यानी कि एक्स पर, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि रईसी क्या वाकई बहुत अच्छे शासक थे, राष्ट्रपति थे, या वाकई उन्होंने कुछ तो ऐसा किया जिसकी वजह से लोग आज खुश हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जश्न मना रहे हैं।
ट्रिब्यूनल्स यानी वहां की विदेश विशेष अदालत ने उन हजारों राजनीतिक बंदियों पर दोबारा मुकदमा चलाया जो अपनी राजनीतिक गतिविधियों के कारण पहले ही जेल की सजा काट रहे थे। इन राजनीतिक बंदियों में से ज्यादातर लोग ईरान में वामपंथी और विपक्षी समूह मुजाहिदीन ए खलका या पीपल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के सदस्य थे। लगभग 8,000 से ज्यादा राजनीतिक कैदियों को मौत की सजा दी गई, क्रूरता की हद कह सकते हैं इसे। फांसी के बाद इन सभी को अज्ञात सामूहिक कब्रों में दफना दिया गया था। मानव अधिकार कार्यकर्ता इस घटना को मानवता के विरुद्ध अपराध बताते हैं। इब्राहिम रईसी ने इस मामले में अपनी भूमिका से लगातार इनकार किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने एक बार यह भी कहा था कि ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खुमैनी के फतवे के मुताबिक यह सजा ठीक थी। इब्राहिम रईसी के समय में भारत और ईरान के रिश्ते बेहतर हुए। चाबहार पोर्ट के समझौते में उनका अहम योगदान रहा। यह समझौता भारत और ईरान ने चाबहार स्थित शाहिद बेहस्ती बंदरगाह के संचालन के लिए किया है। शाहिद बेहस्ती ईरान का दूसरा सबसे अहम बंदरगाह है। यह समझौता इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के बीच हुआ। पाकिस्तान और चीन ईरानी सरहद के करीब ग्वादर पोर्ट को विकसित कर रहे हैं। भारत ईरान और अफगानिस्तान को जोड़ने वाले चाबहार पोर्ट को ग्वादर पोर्ट के लिए चुनौती के तौर पर भी देखा जाता है। लंबे समय का यह समझौता 10 साल के लिए है और उसके बाद यह खुद ही आगे बढ़ जाएगा। साल 2016 की बात है जब ईरान और भारत के बीच शाहिदी बेहस्ती बंदरगाह के संचालन के लिए समझौता हुआ। नए समझौते को 2016 समझौता का नया रूप बताया जा रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक यह समझौता क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा और अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरेशिया के लिए रास्ते खोलेगा। खबरों की माने तो इस समझौते के तहत इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड करीब $120 मिलियन का निवेश करेगी। इस निवेश के अतिरिक्त $250 मिलियन की वित्तीय मदद की जाएगी। इससे समझौता करीब $370 मिलियन का हो जाएगा। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ने इस पोर्ट का संचालन सबसे पहले 2018 के आखिर में शुरू किया था। इस समझौते के लिए दोनों देशों के बीच पिछले 3 साल से वार्ता चल रही थी। भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक अपनी पहुंच को और आसान करना चाहता है। ये बंदरगाह भारत के राजनीतिक और कूटनीतिक हितों के लिए भी बेहद अहम है। भारत और ईरान के बीच ये समझौता ऐसे दौर के बाद हुआ जब दोनों देशों के बीच चाबहार पोर्ट के मुद्दे पर दूरियां देखने को मिली थी। इसी साल जनवरी में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने जयशंकर से मुलाकात की थी। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इस मुलाकात में भारत और ईरान के बीच हुए समझौतों को लागू करने और तेजी लाने पर जोर दिया था। रईसी ने यह भी कहा था कि जो समझौते भारत ईरान के बीच हुए उनमें आई देरी की क्षतिपूर्ति किए जाने की जरूरत है। रईसी का काम लगातार ये था कि वो इस काम पर जोर दे रहे थे कि जल्द से जल्द काम होना चाहिए। 2023 की बात है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरानी राष्ट्रपति रईसी की बात हुई थी, तब भी चाबहार का मुद्दा उठा था। चाबहार को लेकर कहा जा रहा था कि प्रोजेक्ट में देरी के कारण भारत से ईरान खुश नहीं है। ईरान चाहता है कि भारत इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करे। इस मामले में भारत की तुलना चीन से की जाती है कि चीन अपनी परियोजनाओं को जल्दी लागू कर देता है जबकि भारत ऐसा नहीं कर पाता। कुछ समाचार एजेंसियों के मुताबिक अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भी इस पोर्ट को बनाने में देरी हुई। जब भारत और ईरान के बीच समझौता हुआ था तब भी अमेरिकन इस पर आपत्ति जता रहे थे और प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रहे थे। चाबहार पोर्ट चीन की अरब सागर में मौजूदगी को चुनौती देने के लिहाज से भी भारत के लिए मददगार साबित होगा। चीन पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट को बनाकर रहा है और भारत ईरान में चाबहार पोर्ट बन रहा है। ग्वादर पोर्ट चाबहार पोर्ट से मात्र 400 किलोमीटर दूर है जबकि समुद्री रास्ते से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इस तरह से ग्वादर और चाबहार पोर्ट को लेकर भी भारत और चीन के बीच प्रतिद्वंद्वता देखी गई है। कुछ वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि भारत के साथ ईरान के ऐतिहासिक रिश्ते हैं। भारत की कोशिश होगी कि वो अच्छे रिश्ते बने रहें और चाबहार बंदरगाह का काम चलता रहे और आगे इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा रहे। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद भारत का मध्य एशिया से सीधा संपर्क घट गया था। चाबहार के रास्ते भारत अब जरूरत पड़ने पर काबुल और कंधार तक भी अपनी पहुंच बना पाएगा और साथ ही सेंट्रल एशियाई देशों से व्यापार में भी बढ़ोतरी हो सकती है। पहले अफगानिस्तान में खाद्यान्न पहुंचाने के लिए भारत को पाकिस्तान के सड़क मार्ग का इस्तेमाल करना पड़ता था। इससे भारत को तेल और गैस के एक बड़ा बाजार तक पहुंच मिल जाएगी। सामरिक दृष्टिकोण से भी पाकिस्तान में चीन के नियंत्रण वाले ग्वादर पोर्ट के पास भारतीय मौजूदगी अहम मानी जा रही है। ईरान के तटीय शहर चाबहार में बंदरगाह के विकास के लिए भारत और ईरान के बीच साल 2003 में सहमति बनी थी।
साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान का दौरा किया था। 15 साल में किसी भारतीय पीएम का यह पहला ईरानी दौरा था। साल 2019 में पहली बार स्पोर्ट का इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान में माल पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए भारत आया था। हालांकि साल 2020 में एक वक्त ऐसा भी आया जब ईरान के भारत को एक प्रोजेक्ट से अलग करने की रिपोर्ट सामने आई थी। चाबहार पोर्ट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी कि INSTC के लिए काफ़ी अहमियत रखता है। इस कॉरिडोर के तहत भारत, ईरान, अफगानिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया, यूरोप के बीच माल ढुलाई के लिए जहाज, रेल और सड़क मार्ग का 7,200 किलोमीटर लंबा नेटवर्क तैयार होना है। इस रूट से भारत की यूरोप तक पहुंच आसान हो जाएगी, साथ ही ईरान और रूस को भी फायदा होता है। इस परियोजना के लिए ईरान का चाबहार बंदरगाह बहुत अहम है। पीएम मोदी के दौरे के दौरान रेल समझौते में देरी को लेकर भी ईरान की नाराजगी देखने को मिली थी। दिल्ली में हुई G20 सम्मेलन के दौरान जब एक नए ट्रेड रूट को बनाने पर सहमति बनी थी तब इस परियोजना के भविष्य पर सवाल उठने लगे थे। कहा गया कि अगर इंडिया यूरोप मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बन गया तो चाबहार पोर्ट की बहुत अहमियत नहीं रह जाएगी। इसे ईरान की उपेक्षा के तौर पर भी देखा गया था, लेकिन इन सबसे इतर रईसी का योगदान ईरान को ताकतवर बनाने में बड़ा अहम रहा। रईसी और कासिम बिन सुलेमानी एक ही धड़े के थे। इब्राहिम रईसी और सुलेमानी ने मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी गुट तैयार किया, यमन में हुती, लेबनान में हिजबुल्ला और गाजा में हमास को तैयार किया और पूरे अरब वर्ल्ड में अपनी ताकत दिखाई। इसराइल और हमास युद्ध में ईरान ने सबसे मुखर होकर इसराइल का विरोध किया और अपने हथियार हमास को दिए। ईरान की ताकत का एहसास तब पूरी दुनिया को हुआ जब इसराइल के एक सैन्य कार्रवाई का जवाब देते हुए ईरान ने इसराइल पर अपनी मिसाइल दागी और पूरी दुनिया को बताया कि हमारे लिए इसराइल ज़्यादा दूरी पर नहीं है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के प्रतिबंधों के बाद नहीं रईसी ने पश्चिमी देशों को कभी भाव नहीं दिया और वो हमेशा और हर मौके पर अमेरिका और इसराइल को धमकाते रहे। उनकी मौत के बाद जहां ईरान में 5 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है तो वहीं कुछ लोग सड़कों पर जश्न मनाते हुए नजर आए। रईसी की मौत पूरी दुनिया के लिए एक आवक कर देने वाली घटना है। अगर इस घटना के एक भी तार अमेरिका और इसराइल से जुड़ पाए जाते हैं तो शायद आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट एक भयानक युद्ध की आग में झुलसता हुआ मिलेगा या नजर आ सकता है। भारत एट 9 में आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।